दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए क्विड एंड टैक्स सॉल्यूशन चैनल को और साथ ही लेटेस्ट वीडियो के अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को पुश करना ना भूल। हेलो फ्रेंड्स, कार एंड टैक्स सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपनी मीडिया नेप का जो ब्लूटूथ पासवर्ड है, जब हम कनेक्टिविटी करते हैं किसी फोन को मीडिया नेप से तो एक पासवर्ड आता है, तो हम वहां पर पासवर्ड टाइप करते हैं स्मार्टफोन में, तब ब्लूटूथ जो है यहाँ पर कनेक्ट होता है। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप वो पासवर्ड चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले ये मैंने मीडिया नेप की जो होम पेज है उसे खोल रखा है। यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करेंगे। सेटिंग पर जाते ये देखिए, ये ब्लूटूथ पर पहले से क्लिक किया हुआ है। यहाँ पर सिस्टम की सेटिंग, यहाँ पर ब्लूटूथ डिस्प्ले ऑडियो, हम ब्लूटूथ पर जाएंगे। यहाँ पर लास्ट में देखेंगे आप चेंज पास की और ऊपर अदर जो ब्लूटूथ वाली सारी सेटिंग्स है, लास्ट में है चेंज पास की और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। तो दोस्तों ये देखिए करंट पास की 4 जीरोस लगा रखी हैं यहाँ पर, जो कि हर मीडिया नेप का क्विड में जो भी मीडिया नेप आता है उसका पासवर्ड यही होता है 0 0 0। तो हम इसे चेंज करने के लिए पहले हमें इस पासवर्ड की टाइप करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये पहले से यहाँ पर अवेलेबल है। तो हमें न्यू पासवर्ड लगाना है, 1 2 3 4 लगा दिया। जैसे मैंने ओके किया, ये न्यू पासवर्ड चेंज हो गया। तो दोस्तों ऐसे हम मीडिया नेप का जो ब्लूटूथ का पासवर्ड है उसे चेंज कर सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 आ गया करंट पासवर्ड। अगर हम इसे चेंज करना चाहें दोबारा से 4 0 की ओके, ये दोबारा से चेंज हो गया। तो ऐसे दोस्तों आप ब्लूटूथ के जो मीडिया नेप का पासवर्ड है उसे चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों जो ऑथेंटिकेशन पासवर्ड होता है वो उसे हम चेंज नहीं कर सकते, वो अलग पासवर्ड होता है जो कि मीडिया नेप की सिक्योरिटी के लिए होता है। और ये जो पासवर्ड है ये ब्लूटूथ डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए वो पासवर्ड है, इसे हम चेंज कर सकते हैं जितने बार चाहें उतने बार। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।